वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कंडीशन एंड रूल्स को, जो कि सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले एक हम कम्प्रिहेंसिव समरी डिस्कस करेंगे, जिसमें जो सेक्शंस की रिक्वायरमेंट हैं सेक्शन 7 एंड 8 की प्रिसाइजली उनको डिस्कस कर रहे होंगे, और साथ ही थोड़ी सी केस लॉ से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो बाकी सारी वीडियो होगी वो डिफरेंट एग्जांपल्स को कवर करेगी, जैसे एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड की, फिर यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर की, प्रेस्क्राइब्ड मैनर पे दो एग्जांपल्स देखेंगे जो डिफरेंट आउटकम्स में रिजल्ट होंगे, यानी जब प्रेस्क्राइब मैनर फॉलो नहीं होता तो कब एक्सेप्टेंस वैलिड हो सकती है और कब नहीं होगी। फिर एक्सेप्टेंस बाय एक्शन को डिस्कस करेंगे, प्रपोजल का अवेयरनेस जो है वो ऑफरी को होना बहुत ज़रूरी है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, और फिर ऑफर जब टर्मिनेट हो जाती है बिफोर एक्सेप्टेंस तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो दो डिफरेंट सिनेरियोस उस पर कवर करेंगे। और ये सब कुछ जो है वो बेसिकली सेक्शन 7 एंड 8 की जो है इम्प्लीमेंटेशन को हम डिस्कस कर रहे होंगे इस तमाम समरी के अंदर और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स में। तो वन बाय वन इन तमाम स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो इसे ऑलरेडी हमने सेक्शन 2 के अंदर कवर किया है, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, यानी वो अपनी रजामंदी सिग्निफाई करता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, देयरफॉर द एक्ट ऑफ सिग्निफाइंग द असेंट टू अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस। तो जब किसी ऑफर के जवाब में उस पे रजामंदी जाहिर की जाती है तो उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है और इस पर एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की हुई है। आज हम इनकी कंडीशन एंड रूल्स पर बात करेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड का मतलब है कि अनकंडीशनल हो, जैसे ऑफर की गई है उन्हीं टर्म्स पर उसको एक्सेप्ट किया जाए। दूसरा ये कि एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस कैसे करनी चाहिए, कम्युनिकेशन उसकी कैसे होनी चाहिए, तो उसके लिए तरीकेकार है यूजुअल और रीजनेबल मैनर। अब यूजुअल मैनर क्या होता है? यूजुअल मैनर ये होता है कि अगर एक ट्रेड में पार्टीज रूटीन में लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो यूजुअल मैनर है लेटर। अगर एक जैसे स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग के लिए दो ब्रोकर्स आपस में जो ट्रेड कर रहे होते हैं वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे फाइनलाइज करते हैं, तो फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो यूजुअल मैनर कंसीडर होगी। इसी तरह से कुछ और जो मामला आते हैं उसमें फिर रीजनेबल मैनर देखा जाता है, जहाँ पे एक ऑर्डर ऐसा है जिसकी डिटेल डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे फिर रीजनेबल मैनर ही होगा कि वो किसी रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो फिर ईमेल यूज़ की जाती है, फैक्स की जाती है या पोस्टल किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप कहते हैं कि डिसीजन में फ़ौरन ज़रूरी होता है कि बताया जाए कि वो ऑफर एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में लेटर सूटेबल नहीं होगा लेकिन ईमेल जो है वो सूटेबल हो सकती है। तो एक्सेप्टेंस जो है वो यूजुअल मैनर में होनी चाहिए। यूजुअल मैनर अगर कोई नहीं है उस ट्रेड का तो रीजनेबल मैनर में होने चाहिए, जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस में मुनासिब हो। लेकिन इस पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि प्रपोजल में अगर कोई मैनर प्रेस्क्राइब किया गया हो कि जी इस प्रपोजल को इसी तरीके से एक्सेप्ट करना है, तो फिर क्या रूल्स अप्लाई होंगे उन रूल्स को हम देखते हैं। तो उसमें ये है कि अगर एक्सेप्टेंस, तो एक तो जाहिरी बात है कि अगर जिस मैनर को प्रेस्क्राइब किया गया है उसी मैनर में अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो वो तो वैलिड होगी ही होगी, उसमें तो कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता कि जी ऑफरर ने कहा कि जी बाय लेटर जवाब दें, आपने बाय लेटर जवाब दे दिया, तो वो एक्सेप्टेंस का जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस जो कम्युनिकेटेड की जाए लेकिन वो प्रेस्क्राइब मैनर में ना हो तो क्या होगा? तो उस पर एक तो ये है कि अगर विद इन रीजनेबल टाइम जो प्रपोजर है, प्रपोजर मतलब ऑफरर, मे इंसिस्ट दैट एक्सेप्टेंस टू बी मेड इन प्रेस्क्राइब मैनर, तो वो कह सकता है कि जी मैंने जो मैनर बताया था आपने कम्युनिकेशन तो की है लेकिन ये उसके मुताबिक नहीं है, तो मैं तो सिर्फ वही एक्सेप्ट करूंगा जो प्रेस्क्राइब मैनर में होगी। तो अब अगर जो ऑफरी है वो प्रेस्क्राइब मैनर में कम्युनिकेट करेगा तो एक्सेप्टेंस होगी, वरना उसकी जो अदर देन दैट कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी। लेकिन लेट्स से कि अगर एक ऑफरी ने एक्सेप्टेंस जो है वो प्रेस्क्राइब मैनर में नहीं की लेकिन प्रपोजर ने भी उसको कोई जो है इंसिस्ट नहीं किया कि नहीं जी मैंने जो जिस तरीके से आपको कहा था आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने तो ये एक और तरीके से कर दिया, इस पर इंसिस्ट कुछ नहीं किया, तो ये समझा जाएगा कि फिर जो ऑफरर है वो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के वे को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये इस पर खास तौर पर हमारी दो एग्जांपल्स अभी आगे आएंगी, तो वो इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो दोनों बुलेट्स हैं इनको, बुलेट पॉइंट्स को वो एक्सप्लेन करेंगी कि फर्स्ट सिचुएशन कब अप्लाई हो रही होगी और सेकेंड वाली कब अप्लाई हो रही होगी। फिर एक जो
कह लेंगे तीसरा हमारा एंगल है वो ये है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। तो बाज़ का जो एक्सेप्टेंस होती है उसमें कुछ परफॉर्म करना होता है तो वही एक्सेप्टेंस कंसीडर होती है, कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती है वो पूरी कर दें तो वही एक्सेप्टेंस समझी जाएगी, या कंसिडरेशन अगर रिसीव कर लेता है एक्सेप्टर या फिर उस पे कर देता है तो वो ये समझा जाएगा कि ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है। तो रूल ये है कि परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। आप जो है किसी को जो है 10% एडवांस का चेक भेजते हैं और साथ ही कहते हैं कि जी मेरी तरफ से ऑफर ये है कि आप हम आपकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं 20 लाख की और ये 2 लाख रुपए का चेक है एडवांस के तौर पे, और वो एडवांस के चेक को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है चाहे उन्होंने अदरवाइज इसको कम्युनिकेट ना किया। लेकिन इसमें ये ख्याल रखना है कि साइलेंस जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए, कोई ना कोई कंडक्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर दूसरी पार्टी ने कोई एक्ट नहीं किया, कोई कम्युनिकेशन नहीं की, टोटल साइलेंस है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं समझा जा सकता। तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं हमारे जो कि बेस्ड ऑन केस लॉज हैं, यानी जो कोर्ट केसेस के थ्रू डिसाइड हुए हैं, कि एक तो ये कि जो ऑफरी है उसको प्रपोजल की अवेयरनेस होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि ऑफर क्या हुई है। अगर एक शख्स एक काम कर देता है और उसे पता ही नहीं था कि इस सिलसिले में कोई ऑफर हुई हुई है तो वो एक्सेप्टेंस उसकी वैलिड कंसीडर नहीं होगी। इसी तरीके से एक बड़ा कॉमन सेंस का रूल है कि एक मरतबा अगर ऑफर रिजेक्ट या टर्मिनेट हो चुकी है ऑलरेडी तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता आफ्टर द टर्मिनेशन और रिजेक्शन। तो टोटल इस समरी में जो हमारे पॉइंट्स हैं वो 4 हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो इसमें प्रेस्क्राइब मैनर का सब पॉइंट बन जाएगा और उसके फिर फर्दर पॉइंट्स हैं। तो 3 ये मेन पॉइंट्स हैं और केस लॉ की बेस वाले को आप 4th पॉइंट कह सकते हैं। तो बेसिकली जो ये 3rd है ये सेक्शन जो है हमारा 8 से है, जबकि फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है वो सेक्शन 7 से रिलेट करते हैं। तो अब इन सारे पॉइंट्स को जो हमने डिस्कस किया इन सब पर एग्जांपल्स को कवर करते हैं। तो अगर कोई कंडीशन अगर इम्पोज कर देता है ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाती बल्कि उसको तो काउंटर ऑफर समझा जाता है। इसको हमने ऑफर के साथ काउंटर ऑफर के टर्म को भी यूज़ किया था। तो अब हम इस पर एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि 2 पर्सन है, एक ऑफरर और ऑफरी। ऑफरर के पास कार है, वो एक लेटर भेजता है जिसमें वो ये ऑफर करता है कि वो अपनी कार 2 मिलियन में जो है सेल करना चाहता है, और जो दूसरा शख्स है जो ऑफरी है वो लेटर भेजता है विद चेक, लेकिन वो कहता है टेक दिस रुपीज 1.8 मिलियन एंड टेक रुपीज 0.2 मिलियन नेक्स्ट मंथ। ये जो है ये टर्म्स चेंज कर दी, और टर्म्स चेंज हो गई तो इसका मतलब है कि ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल हो, उसमें कोई कंडीशन ना हो, कोई टर्म्स चेंज ना की जा रही हो। जैसे और एब्सोल्यूट का मतलब क्या कि जैसे ऑफर की गई है उन्हीं टर्म्स पर उसको एक्सेप्ट किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं यूजुअल और रीजनेबल मैनर को। तो लेट्स से कि जो इसमें रूल है वो तो ये है कि अगर प्रेस्क्राइब मैनर ना हो तो जो यूजुअल और रीजनेबल मैनर होगा वो वैलिड होगा। तो हम ऑफरर एंड ऑफरी का जो है एक कह लेंगे कैरेक्टर्स ले लेते हैं। और लेट्स से कि ऑफरर ने एक लेटर भेजा कि आई ऑफर यू 200 प्लास्टिक चेयर्स मॉडल X9 और रुपीज 300,000 ऑन 30 डेज क्रेडिट। तो ये एक लेटर भेजा, लेकिन साथ ही उसने ये सोचा कि वो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जो उसे जवाब आएगा वो ईमेल या फोन से आए, लेकिन ऑफरी ने जो जवाब भेजा वो लेटर से भेजा, और लेटर जो है वो कस्टमरी प्रैक्टिस था, यानी यूजुअल मैनर था कि उनके जो आपस में फर्नीचर के ट्रेड्स होते हैं उसमें लेटर के थ्रू ही कन्फर्मेशन दी जाती हैं, लेटर के थ्रू ही ऑफर की जाती हैं। तो उसने जो ऑफर की एक्सेप्टेंस दी वो उस में दी, तो जो मैनर यूज किया गया वो यूजुअल था। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगी और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के दरमियान हो जाएगा। अब प्रेस्क्राइब मैनर फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। तो रूल हमने जो पढ़ा था उसको अगर समराइज करें कि एक्सेप्टेंस तब वैलिड नहीं होती अगर प्रेस्क्राइब मैनर को फॉलो ना किया गया हो, और जो प्रपोजर है यानी ऑफरर है वो प्रेस्क्राइब मैनर पे इंसिस्ट करे तो फिर एक्सेप्टेंस को वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो वंस अगेन हम अपने ऑफरर एंड ऑफरी के कैरेक्टर्स लेते हैं। तो सबसे पहले जो है लेटर भेजा
ऑफरर ने, जिसमें उसने एक ऑफर की और उसमें उसने मैनर प्रेस्क्राइब कर दी कि कंफर्म बाय पोस्ट अगर इंटरेस्टेड है। ऑफरी ने क्या किया कि उसने जवाब एसएमएस से भेजा, बाय पोस्ट नहीं भेजा, और उसने उसमें एसएमएस में ये कह दिया कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है। ऑफरर ने एसएमएस का रिप्लाई ये दिया कि ओनली कंफर्मेशन बाय लेटर शेल बी वैलिड, कंफर्मेशन बाय एसएमएस इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो यानी उसने इंसिस्ट कर दी कि जो प्रेस्क्राइब मैनर है वही फॉलो हो, लेकिन ऑफरी ने फिर वो प्रेस्क्राइब मैनर जो है वो नहीं फॉलो किया। उसने कहा कि जी मैं तो लेटर नहीं भेजूंगा, मेरा एसएमएस इनफ समझा जाना चाहिए था। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं होगी और पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑफरर अब अगर उसे चेयर सप्लाई नहीं करता तो वो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसने प्रेस्क्राइब मैनर प्रेस्क्राइब किया था और फिर उस पर इंसिस्ट भी किया था। अब इससे जो कह लें कि जो कंट्रास्टिंग एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं कि एक्सेप्टेंस वैलिड होगी अगर प्रेस्क्राइब मैनर फॉलो नहीं हुआ था लेकिन प्रपोजर ने उस पर कोई एतराज नहीं किया। तो सिमिलर सा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ऑफर एंड ऑफरी हैं, लेटर भेजा गया, उसके अंदर मैनर प्रेस्क्राइब कर दिया गया। दूसरी पार्टी ने जो है वो एसएमएस से जवाब दे दिया जो कि प्रेस्क्राइब मैनर नहीं था, लेकिन ऑफर ने उस पर कोई एतराज नहीं किया, उसने कहा जी ओके है, मैसेज आपका मिल गया। तो इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब हुआ कि एसएमएस से जो एक्सेप्टेंस आई थी उसको भी उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और हालांकि उसने मैनर प्रेस्क्राइब किया था कि बाय लेटर होना चाहिए, बाय पोस्ट होना चाहिए। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस कंसीडर होगी और पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब एक्सेप्टेंस बाय एक्शन को डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई जो कंडीशन डिफाइन की गई है प्रपोजल में ऑफर के अंदर, वो कंडीशन पूरी कर दी जाती है, वो एक्शन जो डिफाइन किया गया है वो एक्ट कर दिया जाता है, तो फिर वो एक एक्सेप्टेंस ही समझी जाएगी। तो पार्टीज लेते हैं ऑफर एंड ऑफरी। ऑफरी ने जो लेटर भेजा उसमें ऑफर के साथ उसने लिखा, इफ़ यू एग्री यू विल हैव टू डिपॉजिट 50% अमाउंट विद इन अ वीक इन माई बैंक अकाउंट। तो 50% डिपॉजिट की कंडीशन डिफाइन कर दी। अब ऑफरी ने क्या किया कि उसने 50% डिपॉजिट जो है वो जमा करवा दिया विद इन अ वीक, लेकिन कोई और कम्युनिकेशन नहीं की। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट ही वो कम्युनिकेशन है जो समझी जाएगी कि एक्सेप्टेंस हो गई है। तो ये एक ये भी एक्ट जो है डिपॉजिट करवाने का, 50% ऑफ द अमाउंट जो प्रपोजल के अंदर मेंशन था, वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस समझी जाएगी और पार्टीज के दरमियान एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा। अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऑफरी को प्रपोजल की अवेयरनेस नहीं है तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, और ये अवेयरनेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सो पार्टीज लेते हैं। तो सिनेरियो टोटल अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होगा, तो जो है इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑफरर ने एक न्यूज़पेपर में रिवार्ड ऑफर किया कि उसका एक डॉग जो है वो लॉस्ट हो गया, जो भी उसको ढूंढ के लाएगा उसको 50,000 रिवार्ड दिया जाएगा। अब ऑफरी जो है या जहाँ पे जो बेसिकली ही इज़ नॉट एन ऑफरी, द पर्सन इज़ नॉट एन ऑफरी, उसको रिवार्ड का नहीं पता था कि कोई ऑफर हुआ है, लेकिन उसे डॉग मिला और उसे पता था कि इसका ऑनर कौन है, तो उसने ऑनर को वो डॉग लाकर दे दिया, और बाद में उसे पता चला कि वो रिवार्ड इस पर तो ऑफर हुआ हुआ था। तो ऐसा पर्सन जो है वो बाद में, लेट से कि ऑफरर अगर उसे रिवार्ड दे देता है देन इट्स फाइन, वो तो फिर देखें पार्टीज एक रिवार्ड देना चाह रही है दूसरी ले रही है, तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन अगर लेट से कि अब ऑफरर रिवार्ड देने से इनकार कर देता है, तो जो यहाँ पर ये वैलिड एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं होगी, और जो ऑफरी है या जो भी दिस पर्सन है वो सब्सिक्वेंटली रिवार्ड को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस जब उसने ये काम किया तो अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल जो थी उसकी नहीं थी, तो इस वजह से वो अब रिवार्ड क्लेम बाद में नहीं कर सकते। एक ऑफर जब रिजेक्ट या टर्मिनेट हो जाए तो उसको बाद में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो एक सिनेरियो देखते हैं। ऑफर ने एक ईमेल भेजी जिसमें उन्होंने ऑफर दी कि वो सर्टन गुड्स जो हैं वो एक प्राइस पर सेल करना चाहते हैं, और ऑफरी ने
जो ईमेल का रिप्लाई ये किया कि वो इस ऑफर को डिक्लाइन कर रहे हैं यानी रिजेक्ट कर रहे हैं और वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें ख्याल आया कि ये एक अच्छी ऑफर थी, तो उन्होंने फिर दोबारा जो है रिजेक्ट करने के बाद कहा कि आई थॉट ऑफ इट अगेन, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। तो अब उन्होंने ये जो बाद में कहा है तो ऑलरेडी वो ऑफर को रिजेक्ट कर चुके हैं, एक मरतबा रिजेक्ट कर चुके हों तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो दूसरी पार्टी ने कहा कि अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो सवाल ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑफर है वो रिजेक्ट हो चुकी थी, अब उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है और पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एक और सिनेरियो देखते हैं कि ऑफर एक बार टर्मिनेट हो जाए, जरूरी नहीं कि रिजेक्शन किसी और वे में खत्म हो जाए, तो तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो सिमिलर सा सिनेरियो लेते हैं, ऑफर ने ईमेल भेजी जिसमें ऑफर थी कि सर्टन जो है ना चेयर्स सेल करनी थी उन्होंने, तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें प्लास्टिक चेयर्स की सेल पर बैन लगा दिया उन चेयर्स पर जिस मॉडल की इन पार्टीज ने ऑफर की थी आपस में। तो बाद में जो ऑफरी है उसने उसको ऑफर का अगर एक्सेप्टेंस भेज भी दी तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी, क्योंकि जो जब गवर्नमेंट का बैन आ गया तो उस टाइम पर वो जो ऑफर है वो ऑलरेडी रिवोक कंसीडर होगी ड्यू टू सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे कि एक्सेप्टेंस से रिलेटेड डिफरेंट कंडीशन एंड रूल्स क्या अप्लाई होते हैं सेक्शन 7 और 8 के कॉन्टेक्स्ट में, और उससे रिलेटेड हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टूडे, हैव अ गुड डे।